चंडीगढ़ में चुनाव को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन आज देखने को मिला। चंडीगढ़ नगर निगम ऑफिस का घेराव करने गए थे ये कार्यकर्ता, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर ये प्रदर्शन किया गया, जहां पर आपको बता दें कि कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नगर निगम का घेराव करने के लिए पहुंचे और पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये तस्वीरें भी देख रहे हैं आप, किस तरीके से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव का लगातार विरोध किया जा रहा है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं और यहां पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर इन्हें रोका। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता हरसिमरत पॉल हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। हरसिमरत, चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर हर दिन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नगर निगम का घेराव करने के लिए पहुंचे, लेकिन पुलिस के द्वारा उन्हें रोक लिया गया और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि चंडीगढ़ कांग्रेस और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार प्रदर्शन जो है मेयर चुनाव को लेकर के किए जा रहे हैं। जिस तरह देखा गया कि यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर आरोप लगे हैं इन वोटों में गड़बड़ी करने के, तो उसके बाद लगातार दोनों ही पार्टियां जो है इस बार अलायंस में थी और हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर अगर मैं यूथ कांग्रेस की बात करूं तो बीते दिन NSUI की तरफ से बीजेपी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की गई थी, तो उसके बाद आज कांग्रेस यूथ की तरफ से जो है म्युनिसिपल दफ्तर घेरने की कवायद की जानी थी, तो उससे पहले ही बैरिकेडिंग लगा करके उन्हें रोक लिया गया है। और फिलहाल आज का अगर हम आपको सूरत हाल बताएं तो आज का जो यहाँ पर प्रदर्शन रहा है वो पुलिस ने पहले ही रोक लिया, उन्हें अंदर तक नहीं जाने दिया। और सबसे अच्छी चीज ये रही कि आज पुलिस को बल का प्रयोग नहीं करना पड़ा। जैसे बीते दिन देखा गया था कि NSUI के ऊपर 3 दफा जो है एक वाटर कैनन चलाया गया था, उसके बाद भी NSUI के हौसले पस्त नहीं हुए थे, तो उसके बाद उनके ऊपर हल्का बल प्रयोग भी किया गया था। पर आज यूथ कांग्रेस को रोकने के लिए पुलिस ने पहले ही तैयारी कर रखी थी, तो इस तरह से उन्हें पहले ही आज रोक लिया गया और हिरासत में लिया गया। उनके जो बड़े नेता थे, चाहे वो पवन बंसल हो चाहे HS Lucky हो, उनको भी हिरासत में लिया गया है और उनकी तरफ से भी बयान जारी किए गए हैं कि लगातार जिस तरह देखा गया है कि वोटों में इस तरह से विवाद हुआ है और गड़बड़ी की आशंका जताई गई है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है, तो ऐसे में जो है मेयर का कार्यकाल जो है वो रद्द कर देना चाहिए। वहीं ये चुनाव रद्द करने की बात भी उनके द्वारा की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर समय तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आपको बता दें चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी और ऐसे में आज यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला।